Welcome to Omsa English High School and Junior College. Today we will learn science lesson number 9, motions and types of motion. So all of you remove page number 65 of your science textbook. So what is motion? Okay, here we see what various things that the person is moving. Okay, the boy is kicking the football and the top is moving in a circular motion. Okay, so what is motion? Motion is what? If the thing will move. Okay, so the moving object is what? Motion. Okay, so if the first we will see what is displacement. Okay, here is the definition of motion. Okay, so what is written over here? The continuous displacement of an object is called motion. So what is displacement? If you move object, agar hum log ek object ko move karenge ek jagah se dusri jagah, to usko kehte hain displacement. Agar wahi displacement hum log continuously karenge to usse kehte hain motion. Okay, so there are various types of motion. First is linear motion and second is non-linear motion. Okay, so here we will see humne kya dekh rahe hain, dekh rahe hain ki hum log kya hai linear motion yahan pe diya hua hai. तो linear motion मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में मूव होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन और कार. ठीक है, तो दीज टू थिंग्स व्हाट, ये जो है स्ट्रेट लाइन में मूव होती है, तो इसीलिए जो भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव होती है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन. लीनियर मोशन मतलब द मूविंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट या फिर ट्रैवलिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो वी विल हियर सी द सेकेंड वन इज नॉन लीनियर मोशन. ठीक है, नॉन लीनियर मोशन. नॉन लीनियर मोशन मतलब होता है द थिंग्स साइमल्टेनियसली, जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि अगर लीनियर मोशन होता है मूविंग इन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, वैसे ही नॉन लीनियर मोशन होता है इट इज़ नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नॉन लीनियर मोशन. यह भी सी के क्या हो रहा है यहाँ पर, जो है ये एक गर्ल जो है क्या हो रही है, ही स्विंगिंग इन अ स्विंग, मतलब वो जो है झूला झूल रही है. तो झूला क्या स्ट्रेट लाइन में चलता है? नहीं, वो जो है पुटफोट होता है, मतलब आगे पीछे जो है होता है. ठीक है, साइमल्टेनियसली जो है लीनियर मोशन में जो है दो टाइप के मोशंस होते हैं. फर्स्ट जो होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूसली सेम. ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली क्या होता है, सेम होता है. लेकिन नॉन लीनियर मोशन जो है वो एक डिस्टेंस, नॉर्मली जो है वो डिस्टेंस जो है उसका चेंज होता रहता है, उसे कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कोई वैसे ही हमारे क्या होता है नॉन लीनियर मोशन में भी जो है थोड़े टाइप्स होते हैं. जैसे फर्स्ट है ऑक्सीलेटरी मोशंस. ऑक्सीलेटरी मोशन मतलब जैसे वो लड़की जो है झूला झूल रही है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ अ स्विंग जो है ऑक्सीलेटरी होता है, मतलब आगे पीछे जो है वो मूव हो रहा है, तो वो होगा ऑक्सीलेटरी मोशन. वैसे ही सेकेंड, ये जो मोशंस होते हैं उसे हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. क्यों? क्योंकि एट अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मूव हो रहा है, इसीलिए जो है वो क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन. मतलब वो एक ही मूवमेंट में, एक ही पॉइंट में जो है फिक्स्ड पीरियड होगा, मतलब जितना टाइम आपका झूला या पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक मूव हो रहा है पीछे जाने में, वही टाइम जो है वो लेगा आगे आने में भी. या और सेकेंड उसका लीनियर, नॉन लीनियर मोशन का सेकेंड टाइप होता है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन मतलब मूवमेंट ऑफ अ थिंग इन अ सर्कुलर पोजीशन. जैसे कि मूवमेंट ऑफ फैन. फैन जो है वो नॉन लीनियर मोशन में आता है, लेकिन वो आता है सर्कुलर मोशन में. फैन जो है, अगर आपका फैन मूव हो रहा है तो वो एक ही टाइम लेगा एक सर्कुलेशन पूरा होने में. या फिर जाइंट व्हील, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जाइंट व्हील भी दिया हुआ है. जाइंट व्हील, फैन और ये जो जो आपका स्विंग दिया हुआ है, टाइप ऑफ मेरी गो राउंड इसे हम लोग कहते हैं, तो वो जो है एक टाइम मूव होता है सर्कुलर मोशन में, जो है वो क्या होता है, मूव होता है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. ये दोनों जो आते हैं नॉन लीनियर मोशन में. ओके, तो नॉन लीनियर मोशन में आते हैं, फर्स्ट हमने पढ़ा था लीनियर मोशन, जिसके अंदर दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म
जिसके अंदर दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. वैसे ही उस सेकेंड है नॉन लीनियर मोशन, जिसके अंदर दो टाइप्स हैं हमारे पास. एक फर्स्ट वन इज़ व्हाट, ऑक्सीलेटरी मोशन जो स्विंग हो रहा है, और सर्कुलर मोशन जो एक सर्कल में जो है मोशन हो रहा है उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन. दीज टू टाइप्स आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन मतलब एक ही पीरियड टाइम ले रहा है वो. ओके ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीड. व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है. स्पीड मतलब एक डिस्टेंस तुम कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, कितना तुमको टाइम लग रहा है उसे हम लोग कहते हैं स्पीड. ओके तो स्पीड और किसको कहते हैं हम लोग, स्पीड का फॉर्मूला मतलब उसके अंदर दो चीज़ यूज़ होती है. यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया हुआ है स्पीड का. तो फर्स्ट इज स्पीड व्हाट, डिस्टेंस कितना तुमको डिस्टेंस लग रहा है, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे टाइम रिक्वायर्ड से, मतलब कितना तुमको टाइम उसमें रिक्वायर्ड लगेगा. तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट क्या होता है. जैसे तुम हम लोग कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने में लेते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग किलोमीटर लेंगे, अगर आप कोई वज़न ले रहे हो तो आप किलोग्राम लोगे. ठीक है, जिसको हम लोग केजी बोलते हैं, किलोज बोलते हैं. ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग लिक्विड चीज़ को नाप रहे हैं, कोई भी चीज़ का यूनिट मतलब उसमें तुम किस चीज़ को नापोगे. ठीक है, तो अगर हम लोग नाप रहे हैं कोई भी चीज़ को, जैसे मैं दूध नाप रही हूँ, मिल्क या फिर वाटर. ठीक है, तो हम लोग उसको लीटर्स में नापते हैं. वैसे ही किलो स्पीड को भी नापने के लिए एक यूनिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग जो है किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचते हैं, कितना टाइम रिक्वायर हमको करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका यूनिट होता है मतलब किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है वो स्पीड का फॉर्मूला भी दिया हुआ है. तो वी हैव टू लर्न दिस ऑल्सो, एंड वी हैव टू लर्न ऑल द डेफिनेशंस विच आर गिवन हियर. ओके, सो व्हाट इज हम लोग ने आज क्या क्या पढ़े, हम लोग ने पढ़े मोशंस एंड टाइप्स ऑफ मोशंस. पहले मोशंस क्या होता है, मोशंस आर द मूवमेंट्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा मोशन होगा. डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब अगर उसने प्लेस अपना चेंज किया है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. लाइकवाइज अगर वही डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे मोशन. तो अब हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मोशंस है, देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस. फर्स्ट इज अवर लीनियर मोशन, एंड सेकेंड इज, फर्स्ट हमारा क्या है, लीनियर मोशन है, और सेकेंड है नॉन लीनियर मोशन. ओके सो उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर सर्क्यूलर मोशन. ओके सर्कुलर मोशन है यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है सर्कुलर मोशन का. ओके तो उसे हम लोग पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं. ओके फिर उसके बाद आता है स्पीड. स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड जो है हम लोग ट्रैवल करते हैं, जो भी हम लोग टाइम ले रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, स्पीड होगा. सो हियर वी एंड अवर चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, एंड आई विल डू व्हाट, आई विल गिव यू नोट्स ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.